सामंथा के बगल में बैठकर वो अंटावा गाना गाती हुई नजर आई आलिया भट्ट। पहली ही लाइन में उनकी हुई हालत खराब। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो कि बेहतरीन सिंगर भी हैं। आलिया भट्ट को जब भी मौका मिलता है वो गाना गाकर अपने फैंस का एंटरटेनमेंट जरूर करती हैं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आलिया भट्ट फिल्म पुष्पा के आइटम सॉन्ग ऊ अंटावा गाना गाती हुई नजर आ रही है। मजेदार बात यह है कि जब आलिया भट्ट ये गाना गा रही थी तब वो साउथ सुपरस्टार सामंथा रुद्र प्रभु के पास में ही बैठी हुई थी। आलिया भट्ट को अपनी फिल्म का गाना गाते देखकर पहले तो सामंथा रुद्र प्रभु चौंक गई, उसके बाद सामंथा आलिया को मोटिवेट करती हुई भी नजर आई। हालांकि गाना गाते समय आलिया भट्ट की जुबान लड़खड़ा रही थी, बावजूद इसके सामंथा रुद्र प्रभु ने आलिया भट्ट की आवाज की तारीफ की। सामंथा ने कहा कि आलिया काफी बेहतरीन सिंगर हैं। वैसे बता दें बीती रात सामंथा रुद्र प्रभु और आलिया भट्ट हैदराबाद में एक इवेंट में पहुंची थी। यहां पर इन दोनों एक्ट्रेसेस ने काफी रंग जमाया। अब इस इवेंट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस इवेंट में सामंथा रुद्र प्रभु और आलिया भट्ट का लुक कमाल का लग रहा था। वहीं इन दिनों आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म जिगरा के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। आलिया भट्ट की ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को आलिया भट्ट ने करण जौहर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म जिगरा के ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किया था और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आलिया भट्ट की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर जाएगी। करीना कपूर ने आलिया भट्ट की सिंगिंग का उड़ाया मजाक। ये बात हर कोई जानता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। उन्होंने फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में समझावा गाना गाया था और इसके अलावा वो दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म उड़ता पंजाब में एक कुड़ी गाना भी गा चुकी हैं। एक तरफ जहां आलिया भट्ट के फैंस उनकी गायकी की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं लग रहा है कि ननंद यानी कि करीना कपूर को आलिया भट्ट का गाना कुछ खास पसंद नहीं आया। वैसे तो ननंद भाभी में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ उल्टा ही हो गया। हाल ही में करीना कपूर के शो What Women Want का प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें करीना कपूर अपनी भाभी आलिया भट्ट पर ताना कसती हुई नजर आईं। इस वीडियो में आलिया कहती हैं कि उन्हें गाने का तब से शौक है जब वो छोटी थी। इस पर करीना मजाक मजाक में कहती हैं, मुझे नहीं पता अगर तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है भी या नहीं। इस पर आलिया झट से कहती हैं कि मैं बाथरूम में गा सकती हूँ। इसके बाद क्लिप में श्रेया घोषाल दिखाई देती हैं जो कहती हैं अब बंद करो ये। हाल ही में एक इवेंट में आलिया को पुष्पा द राइस का गाना ऊ अंटावा गाते हुए भी देखा गया था। ये गाना सुनकर सामंथा रुद्र प्रभु भी उनसे इम्प्रेस हो गई थी। इससे पहले उन्होंने जूनियर एनटीआर के सामने उनकी फिल्म देवरा का तमिल सॉन्ग भी गाया था और ये गाना भी काफी पसंद किया गया। फिलहाल तो 11 अक्टूबर को आलिया भट्ट की अगली फिल्म की रिलीज का इंतजार किया जा रहा है, जिसका नाम है जिगरा। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर हुआ आउट। मंजुलिका बनकर माधुरी ने डराया। इस दिवाली पर कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं। कार्तिक आर्यन अपनी मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 के जरिए बॉक्स ऑफिस को हिलाने वाले हैं। कुछ समय पहले ही खुलासा हुआ था कि फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की एंट्री होने वाली है और इसी बीच मेकर्स ने फिल्म भूल भुलैया 3 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर सभी भूतों से पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब कार्तिक आर्यन का मंजुलिका से सामना हुआ तो उनकी हालत खराब हो गई। फिल्म भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, नित्या मेनन, मंजुलिका बनकर सबको डराती हुई नजर आ रही हैं। इस बार गलियारों की माने तो दर्शकों को एक साथ तीन तीन मंजुलिका देखने को मिलने वाली हैं। वहीं भूल भुलैया 3 में तृप्ति डिमरी भी जमकर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरेंगी। फिल्म में तृप्ति डिमरी कार्तिक आर्यन के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। हालांकि जल्दी ही ये रोमांस भी कॉमेडी में बदल जाएगा। भूल भुलैया 3 के एक सीन में कार्तिक आर्यन तृप्ति डिमरी को फटकार लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 के ट्रेलर ने ये तो साफ कर दिया है कि इस बार भी फैंस को हॉरर के साथ कॉमेडी का जबरदस्त मसाला देखने को मिलने वाला है। फिल्म के ट्रेलर में कार्तिक आर्यन अलग लुक में नजर आ रहे हैं। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की माने तो फिल्म की कहानी राजा के सिंहासन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। फिल्म भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी मेन लीड में नजर आएंगे। वहीं विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर भी इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तीन
आर्ट्स में रिलीज होगी रणबीर कपूर स्टारर रामायण, दिखेगी हनुमान की पूरी कहानी। बॉलीवुड में आज तक कई फिल्म मेकर्स आए हैं जिन्होंने रामायण जैसी माइथोलॉजिकल स्टोरी पर फिल्म बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे रहे हैं जो कामयाब हो पाए हैं। कई रामायण को आज के समय के हिसाब से ढालकर दिखाने की कोशिश में चूक गए तो कुछ लोग बहुत अलग दिखाने के चक्कर में। पिछले साल आई फिल्म आदि पुरुष भी रामायण की कहानी पर ही बनाई गई थी, जिसे आज के समय के हिसाब से बनाकर दर्शकों को दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ऑडियंस ने उसे साफ नकार दिया। फिल्म का बजट काफी बड़ा बताया गया था और भारी VFX की वजह से फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रही। लेकिन कुछ समय से लोगों में रामायण को लेकर क्रेज फिर दोबारा आ गया है और ये क्रेज दंगल फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने पैदा किया है। काफी समय से फिल्म मेकर रामायण पर काम कर रहे हैं और कुछ समय पहले उनकी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इसके बाद से फिल्म मेकर ने सेट पर फोन लाने से मना कर दिया था। फिल्म में रणबीर कपूर और सई पल्लवी मेन लीड में है। दोनों भगवान राम और माँ सीता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि रामायण को लेकर मेकर नितेश तिवारी 3 पार्ट में फिल्म बनाने का सोच रहे हैं। नितेश तिवारी की रामायण 3 पार्ट में बनाई जाएगी, जिसकी पहली फिल्म राम और सीता की कहानी को लेकर है, दूसरी फिल्म सिर्फ हनुमान की कहानी पर बनाई जाएगी और हनुमान का किरदार सनी देओल निभाएंगे। हालांकि हनुमान की हिस्ट्री और कहानी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। ये फिल्म वनवास और सीता के अपहरण से उनके कनेक्शन पर होगी और तीसरी फिल्म में रावण का सीता के अपहरण के बाद की कहानी को दिखाया जाएगा। फिल्म फिलहाल एक ही साथ शूट की जा रही है ताकि तीनों फिल्मों में कोई लंबा गैप ना हो। खबरों की माने तो फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। रणबीर कपूर फिल्म के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं और वो स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। करिश्मा कपूर की इस बात से करीना कपूर को थी चिढ़। बेबो ने बताया बॉलीवुड में कौन है लोलो का पहला प्यार। हंसी और ठहाकों से भरपूर द ग्रेट इंडियन कपिल शो का ये हफ्ता काफी मजेदार और धमाकेदार होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीक कपिल के शो में फिल्म इंडस्ट्री की लीडिंग सिस्टर्स करिश्मा और करीना कपूर शिरकत करेंगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में करिश्मा कपूर और करीना कपूर वैसे तो कई बार शिरकत कर चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब दोनों साथ में नजर आएंगी। अपकमिंग एपिसोड में दोनों कपिल और बाकी कास्ट के साथ मौज मस्ती करती तो देखी ही जाएंगी। साथ ही बातों बातों में करीना करिश्मा का एक सीक्रेट भी रिवील करती हुई नजर आएंगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रोमो की शुरुआत होती है करिश्मा और करीना के डांस से और इसके बाद कपिल करीना से पूछते हैं कि सैफ और उनमें से किसने पहले प्रपोज किया। करीना कहती हैं उन्होंने पहले बताया कि वो सैफ को लाइक करती हैं, सबको पता है कि मैं अपनी फेवरेट हूं। इसके बाद करिश्मा करीना की उस बात का खुलासा करती हैं जिससे भी वो बचपन में बड़ी बहन लोलो को चिढ़ाया करती थी। करिश्मा ने बताया कि ऐसी काफी फिल्में हैं जो उन्होंने बचपन में करीना को दिखाई। वो करीना को उस मूवी को देखने के लिए भेज देती थी जो वो चाहती थी कि उनकी बहन देखे। बाद में जब करीना वापस आती थी तो गुस्से में कहती थी क्या बेकार मूवी के लिए मुझे भेज दिया था। कपिल ने करीना से पूछा कि बॉलीवुड में करिश्मा कपूर का पहला क्रश कौन है। इस पर बेबो ने फराक से बोला सलमान खान करिश्मा का पहला क्रश रहे हैं। बेबो के जरिए अपने राज को यूं खुलता देख लोलो को यकीन नहीं हुआ कि उनकी बहन ने उनकी ये पोल खोल दी।